आपको बताया, तो आई होप आज हम ज्यादा थके ना और अपनी डेस्टिनेशन हानले पे पहुंच जाए। इट्स अराउंड 8:20, तो हम निकल गए हैं खरू से, अब हम हानले की तरफ निकले हैं, लेकिन रास्ते में हम यहाँ से अपना टैंक फ्यूल टैंक फुल करवाएंगे और दिस इज द लास्ट पेट्रोल पंप यार। इसके बाद हानले से मरूरी या उमिंगला के लिए अगर आप जा रहे हो तो यहाँ से इसके बाद आपको कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, तो आई विल सजेस्ट यू कि आपको कुछ एक्स्ट्रा डीजल या पेट्रोल जो भी आपकी गाड़ी में डलता है वो लेकर ही चलना पड़ेगा यहीं से। हाँ ये है कि हानले में कहीं पे मिल सकता है वो, लेकिन वो ब्लैक में होता है और वो प्योर भी नहीं होता, तो इसलिए दिस इज द लास्ट प्लेस जहां से आप फ्यूल अपना फुल करा सकते हो। गाइस हानले जाने के लिए उपसी में एक चेक पोस्ट आता है जहां पे एंट्री करानी होती है। साथ में चलती हुई इंडस रिवर बहुत ब्यूटीफुल लग रही है और हानले का रास्ता ना इतना सुंदर है, मतलब अभी तक हमने और जितने भी रास्तों पर गए हैं ना ये उनसे भी ज्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और ये इंडस रिवर ना कहीं पे एकदम से शोर करने लग जाती है, कहीं पे एकदम से शांत हो जाती है, तो अलग ही मजा आ रहा है इस रास्ते का। तो लिकचे विलेज और ये देखो बुद्धास जी की यहाँ पे पेंटिंग है, कितनी प्यारी लग रही है। और ब्रिज के साथ ही हाँ। वो इंडस रिवर, ये छोटे छोटे टेंपल्स टाइप है, बुद्धिस्ट टेंपल्स है लोकल लोगों के लिए। मैंने सुनानी थी इन सुंदर सुंदर ब्रिजेस की आवाज, अपनी आवाज नहीं सुनानी। देखो क्या मजा है, नदी कितनी छोटी भी है, वही सेम इंडस रिवर है। जितने भी लद्दाख में देखी है ना ब्यूटीफुल चीजें, उन सब में ना सबसे ज्यादा सुंदर लग रहा है ये। इतना वास्ट, इतना फैला हुआ और इतने सुंदर, मतलब पहाड़ों के कलर्स और ये जो फैला हुआ रेतीला सा इलाका, ओ माय गॉड, बहुत अच्छा है। On the way to Hanle, जैसे prediction थी वैसी हो रहा है। वो ऊपर स्नो वाले माउंटेन्स, अभी तक अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचे और
रास्ते रुक रुक के देख रहे हैं। यार वो देखो, वो दूर पहाड़ जो नजर आ रहे हैं बर्फ वाले, और बताओ मेरे ऊपर पूरी स्नो गिर रही है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, ठंडा ठंडा मौसम है। और ये देखो, ये सुंदर सुंदर सारे पहाड़ दिख रहे हैं। कितने सुंदर पहाड़ हैं, इतने मतलब दूर दूर हैं, लेकिन कितने बड़े बड़े दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं। नहीं यार वीडियो में नहीं आ रहा एक्चुअली में। और यहाँ पे पहाड़ भी है, आस पास में नदी भी है, एक वैली सी है, मतलब एक बहुत खुला बड़ा सा एरिया है, बड़ा ब्यूटीफुल है, मतलब रास्ते ही बड़े सुंदर है हाल लेके। आसमान में बादल है ना, इसकी परछाई उसके ऊपर आ रही है, ये मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। थार इन द डेजर्ट, हानले पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे छोटा सा एक विलेज है जहाँ पे मोस्टली होम स्टेज है, सो काफी ढूंढने के बाद हमें भी एक होम स्टे में रूम मिल गया है। बट अभी हम वहां पर अपना सामान रखने के बाद थोड़ा सा साइट सीन्स के लिए बाहर निकले हैं, क्योंकि हानले बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये ना यहाँ पे टेलीस्कोप लगा हुआ है, बट आई एम नॉट क्लियर, मतलब कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इट्स अ पार्ट ऑफ ऑब्जर्वेटरी, हाले से हमारा पूरा मिल्की वे दिखाई देता है, तो ये उसी का ही पार्ट लग रहा है ऑब्जर्वेटरी का ही। ये हाले के साथ साथ जाता हुआ ऑब्जर्वेटरी की तरफ रास्ता। फ्रेंड्स यहाँ से देखो पूरा हाले का व्यू दिख रहा है ऊपर से, वेरी नाइस। ये घर है और वो मॉनेस्ट्री है। दिस इज द मेन टेलीस्कोप ऑफ इसरो, ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप। ऑब्जर्वेटरी तो हमने देख ली, उसके बाद वापस जाते हुए अब हानले की ब्यूटी। ये पूरा हानले शहर है जो छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ये हानले में छोटा सा टाउन है जहाँ घर है, बहुत दूर से हम देख रहे हैं, देखो यहाँ से कैसे दिखते हैं। फिर पूरा खुला ग्राउंड, ये भी ऑब्जर्वेटरी का ही पार्ट है जो हमने नीचे से आते हुए भी देखा था, अब ऊपर से भी हम इसको देख रहे हैं, ये भी ऑब्जर्वेटरी का पार्ट है। तो इतनी हाइट से सारी चीजें इतनी छोटी छोटी दिखाई दे रही हैं, और ये पहाड़ इतने सुंदर लग रहे हैं। हानले सच में बहुत खूबसूरत है।